प्रकाश पर्व पर प्रदेशवासियों को उन्होंने शुभकामनाएं दी, बधाई दी और गुरु नानक पर्व पर सभी को बधाई देते हुए देश के लिए काम करते रहेंगे की बात कही। तो मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ से आप सुन रहे थे, जहाँ पर प्रकाश पर्व का अवसर है और ऐसे में प्रकाश पर्व के अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने जनता को संबोधित किया और सभी प्रदेशवासियों को प्रकाश पर्व की बधाई भी दी, गुरु नानक जयंती की भी बधाई उन्होंने दी। तो कृषि कानून वापस लेने के ऐलान के बाद जगह जगह पर किसानों ने इसका स्वागत किया। इसके साथ ही गाजीपुर बॉर्डर में किसानों द्वारा हवन क्या क्या, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी ने। प्रधानमंत्री ने जैसे ही ऐलान किया कि तीनों कृषि कानून वापस होंगे, उसके बाद गाजीपुर बॉर्डर पर हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। फिलहाल एक तस्वीर देख लीजिए, तस्वीर धार्मिक है। यहाँ पर हवन जो है वो किया जा रहा है, बाकायदा जो सामग्री है वो उस हवन में डाली जा रही है। हालांकि हर बड़े मौके पर यहाँ पर हवन होता है और ये भी एक बड़ा मौका है, और साथ ही साथ क्योंकि गुरु पर्व का दिन भी है तो हवन जो है वो यहाँ पर चल रहा है। एक बार बात करने की कोशिश जरूर किसानों से करेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं और क्या कह रहे हैं इस हवन के बारे में, थोड़ा सा जानना चाहेंगे। हवन का यही है, बहुत हर आठवें दिन हवन करते थे किसान, और पूर्णमासी का हवन है ये, इसका कोई इतना बड़ा वो नहीं उत्साह आगा को, एक भाई इतना बड़ा उत्साह हो गया किसानों को। अभी नुहै ये बहुत बढ़िया, उसने वो दे ही सूचना, अभी ठीक है, वो आगे रणनीति आगे चलती रहेगी जी। तो आगे की रणनीति आगे तय होगी। हवन कुंड की आप यहाँ तस्वीरें देख लीजिए, हवन चल रहा है। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि एक अच्छी खबर जो किसान है उनको मिली है, और हम और किसानों से बात करने की यहाँ कोशिश करते हैं कि वो इस तमाम मसले पर क्या सोच रहे हैं। ये बताइए जी, इसे ये समझें कि ये पहली जीत है किसानों की। देखिए जो है ये आज जो हवन योजन हमारा पूर्णमासी का है, गुरु नानक का पर्व है, और ये उसके बारे में आप कैसी समझ लेते हैं, समझ लीजिए अच्छी खुशखबरी है। और अच्छा, आगे की जीत की कामना भी कर रहे होंगे इस हवन में जी, मंगल जीत, हम जो है मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं जी। तो आप यहाँ सुन सकते हैं किसान क्या कह रहे हैं। किसानों ने ये हवन जो है पहले दिन से ही यहाँ पर शुरू कर दिया था, जब वो गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे थे। हर बड़े मौके पर ही हवन होता है और आगे की जीत की कामना जो है वो किसान लगातार यहाँ हवन में कर रहे हैं। गाजीपुर से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज़। प्रधानमंत्री